सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष कैसा था। श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। भगवान श्री राम जी के धनुष का नाम था कोदंड। कोदंड का अर्थ होता है जो बांस से बना हुआ हो, यानी कि श्री राम जी का धनुष बांस से बना हुआ था। उनके धनुष के कारण कई लोग उनको कोदंड कह के पुकारते थे, क्योंकि उनका धनुष ही श्री राम जी की एक पहचान थी, अलग पहचान बनाती थी उनकी। हमें पता ही है कि जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, जब भगवान ने सिर्फ संधान किया एक तीर का, तब वरुण देव स्वयं प्रकट हो गए थे। इतना वो भयभीत हो गए थे श्री राम जी के धनुष संधान के कारण, इतनी शक्ति थी उनके कोदंड धनुष में। सामान्य कोई इंसान, यहाँ तक कि कोई अन्य देवता भी इसको उठाने के लिए सक्षम नहीं था, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। ये एक चमत्कारिक धनुष था और हर कोई इसका संधान नहीं कर पाता था। भीलाई नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे आज भी भगवान श्री राम जी का मंदिर कोदंड के नाम से है। उन्होंने दंडिकारण्य में 10 साल से ज़्यादा बिताए थे, करीबन 10 साल उन्होंने बिताए थे श्री राम जी ने तुलसीदास जी के अनुसार, और वहाँ पे उन्होंने भील समुदाय आदिवासी जो वनवासी लोग थे उन लोगों की सेवा तक की थी। इस धनुष की खासियत ये थी कि अगर उसका संधान एक बार कर लिया जाए तो वो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आता था। श्री राम जी ने इसका प्रयोग बहुत ही कम बार किया है। रावण से पूर्व जब उनका युद्ध हुआ तब उन्होंने बहुत ही कम बार इसका प्रयोग किया था, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही श्री राम जी इसका प्रयोग करते थे। इसके बारे में अगर एक और आपको जानकारी दूं, तो एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम जी को चुनौती दी थी। उसने अहंकारवश कौवे का वेश धारण किया और माता सीता के पैरों के ऊपर वो चोंच मारकर आ गया, जिससे सीता जी के पैरों से लहू बहने लगा, तुलसीदास जी ये लिखते हैं। तो श्री राम जी ने क्रोधवश जब धनुष का संधान किया उसको मारने के लिए, तब वो भयभीत हो गया इंद्र का पुत्र, और भागता भागता अपने मूल रूप में आकर अपने पिता इंद्र के पास चला गया। लेकिन इंद्र ने भी अपने पुत्र को शरण नहीं दी, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी का द्रोह किया था। उसके बाद उसने तीनों लोकों में चक्कर लगाए, सभी देवी देवता के पास चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने श्री राम जी से द्रोह किया था। सभी ने यही कहा कि राम का द्रोही किसी भी हाल में मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए नारद जी ने बाद में बताया जयंत को कि अगर आपको कोई इस धनुष से बचा सकता है तो स्वयं श्री राम ही बचा सकते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाद में अहंकारवश जो उसने काम किया था उसके क्षमा मांगने के लिए वो श्री राम जी के पास गया और जोर जोर से ये चिल्लाने लगा कि हे शरणागत हितकारी श्री राम जी, आपके धनुष कोदंड से सिर्फ आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। बाद में श्री राम जी ने उसको माफ कर दिया। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने श्री राम जी के धनुष का वर्णन किया है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।